दोस्तों ये चीज़ आपके नींबू के पौधे को फलों से भर देगी। ये देखिए जिस प्रकार से मेरे पौधे में जो फल आए हैं, अगर आप इस चीज़ का प्रयोग करोगे अपने पौधे में, जिस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको इस चीज़ का प्रयोग कैसे करना है और कब करना है, तो उस प्रकार से अगर आप प्रयोग करोगे तो आपके पौधे में भी इतनी अच्छी मात्रा में नींबू आएंगे। देखिए बिल्कुल गुच्छों में नींबू आ रहे हैं। तो इस चीज़ का प्रयोग कैसे करना है और इस चीज़ को किस टाइम पे पौधे को देना है वो मैं सब आपको बताऊंगा वीडियो में। उससे पहले जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नींबू का पौधा जो होता है, अगर उसको हम पूरे दिन की धूप दिखाएंगे तो उसमें अच्छी मात्रा में आप फल ले सकोगे। तो आप नींबू का पौधा ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पूरे दिन की धूप आती है। मैंने ये पौधा देखिए जो है ये 20 लीटर की जो बाल्टी आती है पेंट की, उसमें लगा रखा है। और ये पौधा जो मैं नर्सरी से लाया था, इसको करीब हो गए हैं 4 साल। और इसमें मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था जिसमें इसमें मैंने क्या क्या खाद दी है उसका पूरी डिटेल है इसमें। तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखें, मेरे चैनल में है। और ये देखिए मैंने एक इसमें नई जो ट्रिक अपना रही, इसकी वजह से इसमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए एक प्लास्टिक की आप बोतल लेंगे। प्लास्टिक की बोतल में जो है आप जितना किचन वेस्ट वगैरह होता है, किचन वेस्ट मतलब आलू के छिलके, टमाटर के जो ख़राब होते हैं वो, और जितने भी आपके केले के छिलके हो गए, चाय पत्ती होगी यूज्ड की हुई, ये इस बोतल में भर रखा। और बोतल के जो बॉटम में है मैंने होल कर रखे हैं 2-3, जिससे कि इसमें जो हम पानी डालेंगे, पानी हम यहीं से डालेंगे, पानी डालेंगे वो रिसके जो है नीचे जाएगा और इसकी जड़ों को जो है खाद मिलेगी। क्योंकि जो हम खाद देते हैं बार बार पौधे को, उससे उसकी जड़ों को नुकसान होता है। तो मैंने ये ट्रिक अपना रखी जिससे कि इसकी जड़ों को भी नुकसान ना हो और इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी अच्छी हो। तो आप भी इस प्रकार की जो ट्रिक है इसको अपनाएंगे तो आपके पौधे में भी अच्छी मात्रा में फल आएंगे और बार बार आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नींबू के पौधे में एक खास ध्यान ये देना पड़ता है कि ये जब धूप में रखा है तो इसमें पानी सूख जाता है। तो इसमें पानी आप जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, जब इसमें फूल लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप इसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी अच्छी कर दीजिए। मतलब कि इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए। इस प्रकार से देखिए जैसे मेरे पौधे में की मिट्टी में जो है मॉइस्चर है, देखिए ये हर समय मॉइस्चर रहेगा तो आपके पौधे की जो खाद जो इसमें से जाएगी उससे जो है उसको न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप नींबू के पौधे की देखभाल कर सकते हैं। अगर आप बीज के थ्रू ग्रो करेंगे अगर नींबू का पौधा, तो उसमें 4-5 साल लग जाते हैं फ्रूटिंग लेने में। तो आप नर्सरी से अगर पौधा ला रहे हैं तो उसको किस प्रकार से लगाना है और कितने बड़े पॉट में लगाना है ये मैं बताता हूँ आपको। आप नींबू का पौधा अगर नर्सरी से ला रहे हैं, पहले तो उसको छोटे पॉट में ही रहने दीजिए। जिस पॉट में आप ला रहे हैं उसी पॉट में रहने दीजिए। अगर वो 2-3 महीने का हो गया, उसके बाद उसको आप चेंज करिए, उसको बड़े पॉट में लगाइए, क्योंकि वो एटमोसफियर वहाँ का ले लेगा। तो उसके बाद उसको चेंज करेंगे तो उसमें फ्रूटिंग अच्छी लेंगे। तो आप बड़े पॉट में लगाएंगे, जितने बड़े पॉट में लगेंगे उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। आप इस प्रकार से कोई वेस्टेज जो सामान होता है उसमें भी लगा सकते हैं, वेस्टेज पॉट में भी लगा सकते हैं। और अगर आप ड्रम या ग्रो बैग में लगाएंगे तो और अच्छी फ्रूटिंग करेगा। ये ड्रम यानी कि आप जो ड्रम केमिकल के आते हैं उसमें, उसको हाफ काट के उसमें भी लगा सकते हैं। या ग्रो बैग है कोई, 24 इंच का ग्रो बैग चाहिए इसके लिए। 24 इंच से बड़ा ही होगा तो तब अच्छी फ्रूटिंग होगी, क्योंकि इसमें जड़ें जो हैं फैलते रहती हैं। तो जड़ें फैलेंगी तो तभी इसको जो ग्रोथ अच्छी होगी। तो इस प्रकार से आप अगर नींबू के पौधे की देखभाल करेंगे और उसको बीच बीच में खाद देते रहेंगे तो इसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी। और एक चीज़ मैं आपको जो शुरुआत में बता रहा था कि इसमें फ्रूटिंग लेने के लिए जो मैंने यूज कर रखा, ये देखिए ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आपको कहीं से मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहते हैं तो आप मार्केट से फर्टिलाइज़र की दुकान से ले लेंगे। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बहुत यूज़फुल होता है किसी भी फ्रूटिंग प्लांट के लिए। तो इसको आप 1 चम्मच जैसे लेंगे, जो ये आपने जो ये बना बनाओगे जब बोतल, ये इसमें डाल दोगे इसको जब भी आप खाद दोगे 10-15 दिन में, क्योंकि इसको फ्रूटिंग वाले पौधे हैं, इसमें खाद ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप जब भी बनाओगे तो इसको इस तरीके से इसमें डाल देंगे और इसमें ऊपर से पानी डाल देंगे। अगर पानी है तो इसमें खुद ही घुल जाएगा। देखिए इसमें पानी है, ये धीरे धीरे रिस के जो इसमें खाद की ज़रूरत होगी वो पूरी कर देगा इसको। और बार बार इसको आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इस बोतल वाली जो यूज कर रखा है मैंने, बोतल बनाकर आप खाद का इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नींबू के पौधे की देखभाल करेंगे
तो आपके पौधे में अच्छी फ्रूटिंग होगी इसी प्रकार से। और उसको धूप में ज़रूर रखिए, पौधे को आप धूप में नहीं रखेंगे तो अगर इसको पूरे दिन की धूप मिलेगी तभी अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप आगे शेयर भी ज़रूर करें इसको, क्योंकि कई लोगों के जो क्वेरीज होती है कि नींबू के पौधे में हमारे फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें इस वीडियो को। इस प्रकार की जो खाद बनाने की टेक्निक है, खाद देने की पौधों में, ये आप ज़रूर शेयर करें।